नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका बेसिक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। जैसे ही कल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ, लोगों में यानी स्टूडेंट के बीच इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि जिनका नाम नहीं आया है थर्ड मेरिट लिस्ट में वो आखिर क्या करे, या जो अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए हैं वो भी टेंशन में हो गए। तो और जिनका हुआ क्या कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम था, उन्होंने स्लाइड अप किया, सेकंड मेरिट लिस्ट में सेम कॉलेज रह गया, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में स्लाइड अप कर दिया और थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, वो ज़्यादा घबराए होंगे। तो थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको मिला है मौका स्पॉट एडमिशन का, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सभी का होगा एडमिशन। इसके लिए कन्फर्म हो जाइए, किसी का आगे तो किसी का पीछे, एडमिशन सभी का होगा। तो क्या है स्पॉट एडमिशन, की प्रक्रिया कैसे होता है स्पॉट एडमिशन, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप स्पॉट एडमिशन, क्योंकि आखिरी मौका सिर्फ स्पॉट एडमिशन का ही होगा, ठीक है, क्यों नाम नहीं आया, क्यों नहीं नाम आया, ये सब आप पूछना छोड़ दीजिए। अब देखिए कि स्पॉट एडमिशन आपका आखिरी मौका है, और स्पॉट एडमिशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, शुरुआत में क्या करना होता है, लिस्ट कब जारी होती है, कॉलेज कब जाना होता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ देखिए, मैं डिटेल में यहाँ समझाने जा रहा हूँ। यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए थर्ड कटऑफ लिस्ट जारी हुई। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। इसमें शामिल स्टूडेंटों का 14 अक्टूबर तक एडमिशन लिया जाएगा और 16 अक्टूबर तक जो है वो कॉलेज जो है वो वैलिडेट करेंगे। अब देखिए स्लाइड अप की बात करते हैं। सीट खाली रहने पर कॉलेज में ऑन स्पॉट राउंड, ठीक है, सॉरी स्लाइड अप बोलते हैं, स्पॉट राउंड, ऑन स्पॉट राउंड से एडमिशन होगा। ऑन स्पॉट राउंड की तिथियों में बदलाव हो सकता है लेकिन अभी तय नहीं है। ऑन स्पॉट राउंड में देखिए होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा गया है कि 18 से 23 अक्टूबर के बीच जो है आवेदन लिया जाना है। आगे डेट बदल सकता है तो अलग बात है, वो अपडेट मैं दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन की लास्ट डेट जो 16 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर है, अगर उसमें फेरबदल हुआ तो ये भी फेरबदल हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी बात अलग है, समझेंगे कि प्रक्रिया क्या है। 25 अक्टूबर तक स्पॉट राउंड की मेधा सूची जारी की जाएगी, यानी जो है स्पॉट राउंड के लिए आपको अप्लाई जो करना होगा वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ध्यान सुनिएगा, स्पॉट राउंड के लिए आपको फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म होगा, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जैसे होता है ना, उसी तरह की मेधा सूची जारी होगी, जैसे कि अभी मेरिट लिस्ट जारी होती है, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुई ना, तो उसमें जारी होगी कि आपका स्पॉट राउंड एडमिशन में किनका किनका नाम है, उसका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है, 25 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को फाइनल एडमिशन हो जाएगा। 30 अक्टूबर को एडमिशन होगा, एडमिशन जो होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो आपको कॉलेज जाकर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दे दिया गया कि नवंबर में नया सत्र शुरू हो जाएगा, यानी नवंबर से आप लोग की क्लासेस शुरू हो जाएगी, सेशन शुरू हो जाएगा। एन कॉलेज में बीए कोर्स का कटअप विभिन्न कोर्स के लिए अलग अलग है। हिस्ट्री के लिए 65, पॉलिटिकल साइंस के लिए 63.5, और साइंस में केमिस्ट्री का कटअप 57 रहा, मैथ का 59.50 और बॉटनी का कितना कम कटअप रहा, 51.60। मैं पहले से ही बोल रहा था कटअप कम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि जिनका भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं घबराए, ऐसा कोई स्टूडेंट छूटता नहीं है जिसका एडमिशन लास्ट तक नहीं होता है। ज़रूरी होती है कि अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको हर अपडेट दे दी जाएगी स्पॉट राउंड से जुड़ी हुई, क्योंकि आखिरी मौका जो है वो आपका स्पॉट राउंड का है। उसके अलावा ये मौका अगर छोड़ जाता है तो आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी
स्थिति की जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे आप ज़रूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन इस साल हो जाए तो हर वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, और अपने आप को अपडेट रखें। टेंशन नहीं लें, सभी का एडमिशन हो जाएगा। स्पॉट राउंड समझ के क्या होते हैं, फिर से मैं एक बार बता दूँ कि अभी जो 18 से 23 अक्टूबर का डेट है, ठीक है, वो डेट फेर बदल हो सकता है, वो अलग बात है। तो आपको जो है स्पॉट राउंड, जब थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपका कॉलेज जो है वो लिस्ट जारी करेगी कि मेरे यहाँ इस ऑनर्स में, मान लीजिए किसी कॉलेज में मैथ ऑनर्स में 5 सीट है, एग्जांपल बता रहा हूँ, 50 सीट है, ठीक है, और हिस्ट्री ऑनर्स में उसके पास 70 सीट है। तो वो क्या करेगी, लिस्ट जारी करेगी कि मेरे इस ऑनर्स में इतने सब्जेक्ट में इतने लिस्ट जो है उतने जगह जो है खाली हैं, समझ के। उसके बाद जो होगा, सभी कॉलेज ऐसा लिस्ट जारी करेगी, तो आपको जो है वेबसाइट पे जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का लिस्ट देख लेना है, आपको कौन सा ऑनर्स पेपर चाहिए, उस ऑनर्स पेपर में कितना सीट बाकी है, उसके बाद ही उस कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं होता, कॉलेज के लिए अप्लाई होता। उसके बाद जो है कॉलेज जो है लिस्ट जारी करेगी कि हम किसका किसका एडमिशन जो है वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ऑन स्पॉट का मतलब होता है उस जगह पर लेना, ठीक है। तो उस जगह पर जाके आपको एडमिशन लेना है, समझ गए पूरी प्रक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।